ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। देखो, बिल्कुल जमीन से बात शुरू करो तो कौन आता है कहने कि तुम्हारे हक की कोई सीमा है? जब तुम कहते हो कि ये मेरे अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, तो कौन आता है ये कहने कि तुम्हारे ये अधिकार हैं और ये नहीं है? जब भी कहा जाए कि ये चीज़ तुम्हारा अधिकार है, तो निश्चित रूप से अधिकारों पे एक सीमा लगाई जा रही है ना, कि इतना तुम्हारा अधिकार है और इतना इसके आगे नहीं है। कौन आता है वो सीमा लगाने? पेड़ आते हैं, आसमान आता है, धरती आती है, नदी आती है, सागर आते हैं। अस्तित्व में कौन है जो तुम्हारे अधिकारों पर सीमा लगाने आता है? कौन आता है? दूसरे लोग आते हैं ना, दूसरे लोग हैं जो आकर के कहते हैं कि तुम इस सीमा तक जाओगे, उसके आगे नहीं जाओगे। ये हुई पहली बात कि तुम्हारे अधिकारों पर सीमा अस्तित्व कभी नहीं लगाता, इंसान ही इंसान को बांधने की कोशिश करता है। दूसरी बात, इंसान जब इंसान को बांधेगा तो इंसान को किस तल पर बांधेगा? तीन तलों पर हम होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो बांधी जा नहीं सकती। मन को बांधने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो छूट छूट के भागता है। शरीर को और शरीरगत आचरण को पूरी तरह बांधा जा सकता है, एक सीमा रेखा बनाई जा सकती है कि इस सीमा के आगे मत जाना, वहां से दूसरा देश शुरू होता है और तुम्हारा शरीर उस सीमा को पार करके दूसरे देश में प्रवेश नहीं करेगा। शरीर भर है जिसे पूरी तरह बांधा जा सकता है। मन पर सीमा लगाने की कोशिश की जा सकती है, पर वो बहुत सफल होगी नहीं, और आत्मा पर तो कोशिश भी नहीं की जा सकती। तो इंसान है जो बांधने की कोशिश करता है, वो भी उसी हद तक जिस हद तक तुम्हारा आचरण है। अब एक इंसान दूसरे इंसान के आचरण को बांधने की कोशिश कर रहा है, कुल मिला के बात ये निकली। मैं तुम्हारे आचरण को बांधने की कोशिश करूंगा और मेरे जैसे कई लोग मिलकर तुम्हारे आचरण को बांधने की कोशिश करें, और तुम्हारे ही नहीं, अपने भी आचरण को, तो इससे इतनी पता चलता है कि दुनिया के बारे में हमारी धारणा क्या है। दूसरे के लिए हम जो सीमाएं बनाते हैं, तुम ध्यान देना कि वो सीमाएं बहुधा हम अपने लिए भी बना लेते हैं। हम कहते हैं समाज में सबका ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ये कर्तव्य होने चाहिए, ये अधिकार होने चाहिए, ये वर्जनाएं होनी चाहिए, ये अपेक्षाएं होनी चाहिए। अपने को जैसा जानोगे उतनी ही तुम छूटते लोगे। जैसा अपने को जानोगे वैसे ही तुम दूसरे को जान रहे हो। क्या अर्थ है इस बात का? हमने कहा हम तीन तलों पे होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। जो अपने को शरीर जानेगा वो खूब सीमाएं बांधने की कोशिश करेगा, क्योंकि शरीर तो होता ही सीमित है।
तो जिन समाजों में तुम देखो कि खूब वर्जनाएं हैं, ये करो ये ना करो, ये समझ लो कि वो घोर रूप से भौतिकवादी समाज है, मटीरियलिस्ट हैं। उन्होंने अपने आप को शरीर से आना कुछ ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, इसीलिए वो शरीर पर ही पाबंदी लगाते फिरते हैं, शरीर पर ही पाबंदी लगाते हैं, शरीर को ही हद देते हैं, ये खाना है ये नहीं खाना, ये पहनना है ये नहीं पहनना है, यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना है। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब बस इतना ही होगा, फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू ट्रैवल, फिर थोड़ा उनसे हटके समाज होंगे जो अपने आप को मन के तल पे ज्यादा देखते हैं, वहां पर फ्रीडम शब्द का अर्थ बदल जाएगा, वहां पर फ्रीडम टू थिंक बड़ी जरूरी हो जाएगी, विचार की स्वतंत्रता, मुक्त विचारणा। तो कहेंगे शरीर ही नहीं, विचार भी मुक्त होना चाहिए, और तब वो कहेंगे मुझे पूरी छूट होनी चाहिए कि मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जो चाहूं वो करूं। और फिर एक तीसरा समाज भी हो सकता है जो आध्यात्मिक रूप से इतना उन्नत और परिपक्व हो कि वो पूरे जगत में जो सार्वभौम आत्मा है उसको देख पाता हो। उसके लिए आजादी का अर्थ एक तीसरा ही होगा, वो इस बात से बहुत सरोकार रखेगा ही नहीं कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। उस समाज के लिए आज़ादी का अर्थ होगा कि क्या तुमने अपने उस मुक्त केंद्र को पाया है सिर्फ जहाँ पर आज़ादी संभव है, क्योंकि उसके अलावा कोई आज़ाद होता नहीं। असली आज़ादी तो यही है कि तुम अपने स्रोत को हासिल कर लो, वही मुक्त है अकेला, समझ रहे हो। अभी बात मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी जैसे हो तुम उसी तल की आजादी की मांग करोगे। अगर तुमने अपने आप को शरीर समझा है तो तुम्हारे लिए आजादी का अर्थ बस इतना ही होगा कि मेरा मन कर रहा है आज मीठा खाने का तो मुझे मीठा खाने की अनुमति होनी चाहिए। ये मेरा शरीर है तो कोई इसे गुलाम ना बनाए, मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं कब नहाऊंगा खाऊंगा किसके साथ प्रेम संबंध बनाऊंगा कहां बैठूंगा कहां उठूंगा। कोई मेरे शारीरिक परिक्षेत्र में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश ना करे, तुम्हारे लिए स्वतंत्रता की बस इतनी सी कीमत होगी, डोंट टच मी। और कोई तुम्हें छू दे तुम्हें लगा अरे ये तो मेरी आज़ादी का हनन है, हनन है भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज़ादी का बस इतना ही अर्थ होता है शरीर, शारीरिक आज़ादी। और अगर तुम मन के तल पे हो तो तुम्हारे लिए आज़ादी का एक थोड़ा व्यापक लेकिन फिर भी सीमित अर्थ रहेगा। तुम कहोगे मैं जो सोचता हूं मुझे उसके अनुसार जिंदगी जीने का हक होना चाहिए, फिर तुम कहोगे ऐसे मेरे विचार हैं और मैं अपने विचारों पर चलूंगा, और फिर तुम बुद्धिजीवी कहलाओगे। सारे बुद्धिजीवी वही हैं जो विचार के तल पे जीते हैं, और इनके लिए आजादी का अर्थ होता है कि जैसा हमारा विचार है हम उसी के अनुरूप जिए, कोई हम पे कोई बंदिश ना लगाए। पर ये इस बात को समझते नहीं है कि विचार सदा बाहर से आता है, तुम्हारा अपना कोई विचार होता नहीं। तो जब भी तुम कहते हो
कि हम अपने विचारों के अनुसार ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वास्तव में तुम अपने विचारों के अनुसार जी ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई विचार है नहीं। ये बात उन्हें बड़ी अपमानजनक लगी कि उनका अपना कोई विचार है नहीं, क्योंकि इसी बात पर उनका अहम जिंदा है कि हम तो बड़े विचारवान लोग हैं, वी थिंक वी आर इंटेलेक्चुअल्स। तो कहेंगे हम सोचते हैं, तो हमारे लिए राइट टू थिंक एंड राइट टू एक्सप्रेस बड़ी ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी अटक मत जाना, तुम्हारी सोच का कोई महत्व नहीं है। कम से कम जो अति महत्वपूर्ण है उसके समकक्ष तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अपने केंद्र तक पहुँचना, जहाँ ध्यान है वहाँ असली आज़ादी है। असली आज़ादी वहाँ है, और वो आज़ादी न विचार की आज़ादी है न शरीर की आज़ादी है। वो आज़ादी ये भी नहीं है कि मैं जैसा चाहूँगा सोचूंगा, और वो आज़ादी ये भी नहीं है कि मैं जो चाहूँगा खाऊंगा। वो आज़ादी कुछ और ही है। वो आज़ादी है वो सब कुछ जो कैद कर सकता था और कैद हो सकता है, उससे जरा अलग खड़े होने की आज़ादी। शरीर सदा सीमित है, तुम ऐसे बिंदु पर बैठे हो जहाँ तुम शरीर की सारी सीमाओं को देख रहे हो। हाँ, शरीर सीमित है, शरीर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, शरीर परेशान है या शरीर उत्तेजित हो रहा है, और तुम जरा शरीर से हट करके हो। ये आज़ादी है शरीर से, अब तुम शरीर से आज़ाद हो, और तुम मन से भी आज़ाद हो कि मन में तरंगें उठ रही हैं, मन में विचार उठ रहे हैं, चिंताएं उठ रही हैं, सुरक्षा उठ रही हैं, कामनाएं वासनाएं उठ रही हैं, तमाम तरह की योजनाएं पल रही हैं, और तुम देख रहे हो कि मन पे ये सब हो रहा है। और ये सब देखते हुए भी तुम इस सब से ज़रा अछूते हो, ये हो गई मन से आज़ादी। अब तुम मन से भी आज़ाद हो, ये वास्तविक आज़ादी है। इसको जानने वालों ने साक्षित्व का नाम दिया है। ये साक्षित्व, विटनेसिंग, ये असली आज़ादी होती है। समझ में आ रही है बात? अपनी मर्जी के कपड़े पहनने को आज़ादी मत समझ लेना, अपनी पसंद की नौकरी करने को आज़ादी मत समझ लेना। देखता हूँ तुम लोगों के फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस, उसमें लिखा रहेगा माई लाइफ माई रूल्स। तुम इसको आज़ादी समझते हो, है ना? माई लाइफ माई रूल्स, ये अलग बात है कि जिन्होंने लिख रखा होता है माई लाइफ माई रूल्स, उनसे कह दिया जाए कि आ जाओ ज़रा बोध सत्र में, जवाब आता है वो पापा मना कर रहे हैं, माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, आज़ाद तुम इतने हो कि रूल्स में आर यू एल ई एस नहीं रहता, जेड 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 रहता है, माय रूल्स आर यू एल जेड जेड जेड, ये तुम्हारी आज़ादी है। और यही आज़ादी की परिभाषा है तुम्हारे लिए। घर वाले बड़े परेशान करते हैं, क्यों? छोटे कपड़े नहीं पहनने देते। हम तो नोएडा के किसी कॉलेज में पढ़ेंगे, क्यों? वहाँ आज़ादी रहेगी, ज़रा फ्रीडम रहती है। मैं नहीं कह रहा कि घर वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन तुमने भी आज़ादी का जो अर्थ लगाया है बड़ा छिछोरा अर्थ है कि आज़ादी का मतलब ये है कि हम उपद्रव करेंगे, कि आज़ादी का मतलब ये है कि मैं अपनी पसंद का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता हूँ, कि आज़ादी का मतलब ये है कि मैं 12 बजे तक सो सकता हूँ। क्या आज़ादी का मतलब ये है कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं क्लास बंक कर दूंगा? ये कौन सी आज़ादी है? अच्छे से जानते हो तुम कि जितने सारे काम तुम करते हो ये सब दूसरों के प्रभाव में करते हो, करते हो कि नहीं?
जबान और विज्ञापन के प्रभाव में तुम पिज्जा खरीदते हो। जबान का चटोरापन और विज्ञापन का न्योता, ये दोनों मिल करके तुमसे पिज्जा खरीदवाते हैं। तो ये तुम्हारी आजादी है या तुमने प्रभावित होकर के पिज्जा खरीदा? तो इसमें आजादी कहाँ है? पर तुम बोलते हो नहीं नहीं नहीं, जो मेरा मन करे वो खाने के लिए मुझे आजादी होनी चाहिए। असली आजादी है, मैं दोहरा रहा हूं, शरीर की सारी प्रक्रियाओं को और मन के सारे प्रवाह को अनुभव करते हुए भी उससे अछूता रहना। हाँ, ये सब है, बिल्कुल है, हमने इसे दबा नहीं दिया है, ये है, लेकिन ये हम पे असर नहीं डाल रहा है। ये सब कुछ चल रहा है लेकिन हम पे असर नहीं डाल रहा है, ये हम पे हावी नहीं हो गया है। ये होती है असली आज़ादी है? और इसी को हमने नाम दिया है आत्मा। इस असली आज़ादी का नाम है आत्मा।